मैं नाना पटोले हूँ, मैं भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। यहाँ पर जिस मतदार संघ से मैं चुन के जाता हूँ वहाँ पर रास्ते की सुविधा नहीं थी, इरीगेशन की सुविधा नहीं थी, आम आदमी को भी लोकशाही के बारे में जितना मालूमात रहना चाहिए थी वो नहीं थी। मेरा एरिया जो है वो ट्राइबल था, नक्सल एरिया था, वहाँ लोगों को जाके हमने डेमोक्रेसी के बारे में उनको अपडेट कराया और आज लोग खुद वोट करने आते हैं। हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड का प्रॉब्लम हुआ था, पूरे देश में हुआ था, तब हमारे यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि ये हम लोगों की इतनी साल की ज़मीन है, हम लोग इसके ऊपर हमारा उदर निर्वाह करते हैं, ये ज़मीन हमको बचा के चाहिए। तो हमने तब सरकार से बात की तो राज्य सरकार ने कहा कि यह हमारी एरिया, हमारी अधिकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार ने ये किया है। तो हमने उस समय एक आंदोलन किया, लोगों के साथ में जेल में किया, सरकार को हमने कायदा बनाने के लिए बाध्य किया वन जमीन का, और आज उन लोगों के लिए ज़मीन की सुविधा हो, किसानों की हो या बेरोजगार की लड़ाई हो, गरीबों की हो, हमने रास्ते पे आके कई बार लाठीचार्ज वगैरह सब हमने खाई। हमने लोगों के साथ में पारिवारिक संबंध बनाया, राजकीय संबंध से ज़्यादा सामाजिक संबंध ज़्यादा बनाया, उसका हमें लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ पर वैनगंगा नदी बहती है और वैनगंगा नदी का सही उपयोग हमने किया, किसानों के खेतों में पानी लाया, तो निश्चित रूप से किसान खेती के आधार पर उद्योग इस ज़िले में बड़े पैमाने में खड़े हो सकते हैं, और उस आधार पर अगर ये काम हुआ तो यहाँ कोई खाली नहीं रहेगा और मेरा भंडारा गोंदिया जिला महाराष्ट्र के सबसे अमीर जिलों में गिनती आ सकती है। नैसर्गिक जो हमारे यहाँ की उपज है उसके आधार पे हम लोग उद्योग खड़ा करेंगे और यहाँ रोजगार उपलब्ध करके हमारे यहाँ के भी आम आदमी को भी अमीर बनाने की हमारा सपना है। कैसा है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा हेल्थ की व्यवस्था, आज अपना देश गरीब है और गरीब करने का काम इस देश के पूंजीवादी राजकारण ने किया है, जिसके बारे में आपके मीडिया के माध्यम से भी और रामदेव बाबा हो, अडवाणी जी हो, कई बार कहा है कि विदेश में जो पैसा रखा है वो पैसा अगर हमारे देश में लाते हैं तो जो क्लास सुपर क्लास वन के बच्चों के लिए जो एजुकेशन की सुविधा है पैसे से मिलती है वो हम हमारे गरीबों के किसानों के बच्चे के लिए दे सकते हैं। तो हम सौर ऊर्जा के आधार पर हमारे एरिया में बिजली बना के आम इंसान को और किसान को हम कम दाम में हम बिजली दे सकते हैं। और रही सड़क की बात है तो जब ये पैसा आएगा तो हम सड़क तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बन जाएगी उसमें, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी जो सरकार देश में है एक बार इसको ख़त्म करने की लोगों ने सोच बनानी चाहिए। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई तो उन्हें महिला सक्षमीकरण के लिए महिलाओं का नाम भी पति के नाम के साथ में घर के ऊपर हो या उसके प्रॉपर्टी के हो ये उन्हें सोची थी और वो इम्प्लीमेंट भी आज अपने को होते दिखाए। बचतगढ़ की भी योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय हुई। हमारा सपना है कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं वो बचतगढ़ के माध्यम से उनको उद्योगपति बनाएंगे। पहली प्राथमिकता हमारी है कि हमारे खेतियों को पानी मिले, क्योंकि हमारे ज़िले में आज भी हमारा जो इरीगेशन का परसेंटेज है सिर्फ 8% है, हम अभी भी 94% पीछे इरीगेशन में है। हमारे पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को हमने डेवलप किया तो हम पहली प्राथमिकता देंगे खेती के इरीगेशन के लिए, दूसरी प्राथमिकता रहेंगी अच्छी शिक्षा और अच्छा आरोग्य के लिए। मैं मतदाता को मैं परिचित हूँ, उनके लिए मेरे को कोई नहीं, मैं तो आज गांव में प्रचार में जाता हूँ, जो भी गांव में हो शहरों में हो, तो मेरी माता बहनें मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आरती लेके खड़ी रहती हैं, मेरे युवा साथी मेरे लिए घोषणाएँ करते रहते हैं, वो मुझे इतना जानते कि जैसे अपने घर का बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, इतना प्यार मुझे करते हैं।